पानी की बौछार, वो गुलाल की फुहार, वो घरों से निकलना, वो गलियों में घूमना, वो दोस्तों की धूम, ओ यारा होली इज कमिंग सून। हैप्पी होली आयुषी। यार कंट्रोल नेहा, तुम होली आने में भी टाइम हो, तुम अभी से इतनी एक्साइटेड हो रही हो? अरे होली आने में टाइम ही कहाँ बचा है, फागुन का महीना चल रहा है तो होली का रंग कैसे न चढ़े। अच्छा रे। हाँ एंड यू नो व्हाट आयुषी, क्या मैंने तो अभी से सारी प्लानिंग भी कर ली है, कैसे खेलना है, किस कलर से खेलना है, किसको रंग लगाना है और कितनी सारी गुजिया खानी है। यार तुम्हारी प्लानिंग ना सही में बड़ी जबरदस्त चल रही है। तुम्हारी प्लानिंग सुन के तो मेरा ही मन कर रहा है कि मैं अभी होली खेल लूं। वैसे यार एक बात बताओ कि हम जैसे होली प्लान कर रहे हैं कि बाकी सब भी होली प्लान कर रहे होंगे? मे बी आयुषी, क्यों ना हम मंगलायतन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और टीचर्स से जाने कि उनकी इस होली को लेके क्या प्लानिंग है। आइडिया बहुत सही है, तो चलिए ले चलते हैं आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट में और जानते हैं उनसे कि उनकी होली की तैयारियां कैसे चल रही हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं होली बहुत करीब ही आ रही है हमारे, और इस होली को सब अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगलायतन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मिस्टर अजीत जी के साथ। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि वो पंजाब में होली कैसे सेलिब्रेट करते हैं और इस होली को लेके उनके क्या प्लान है, सब प्लीज बताइए। पंजाब में होली जो है बहुत अच्छे तरीके से मनाई जाती है। जो यंग स्टूडेंट्स होते हैं नॉर्मली तौर पे मोटरसाइकिलों पे या स्कूटरों पे अपना घर घर जाते हैं और अपना रंगों के साथ एक दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं, और उसके अलावा खुशियाँ बांटी जाती है। इन द सेंस के जब कोई किसी के घर जाता है तो गुजिया पकौड़े या बालूशाही या और मिठाई वगैरह भी बांटी जाती है। इसके अलावा कुछ एक बच्चे जो छोटे होते हैं, छोटे स्कूलों के होते हैं, वो दूसरे के घरों में जाके बच्चे एक दूसरे के ऊपर पिचकारियों से रंग डालते हैं। और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है इको होली, जिसमें यह है कि पोल्यूशन फ्री होली की जाती है, जिसमें रंग जो है एक दूसरे के ऊपर डालते भी हैं तो वो परमानेंटली उसके ऊपर नहीं आता है रंग, बल्कि वो रंग आप धोते मुंह धोते सारी निकल जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग बुरा फील नहीं करते हैं। कुछ एक गाँवों में ऐसा जरूर होता है कि वहाँ एक दूसरे के ऊपर कीचड़ भी फेंका जाता है या पानी फेंका जाता है या कह लो कि ऐसा रंग फेंका जाता है कि जो जल्दी उतर नहीं पाता है। इसके अलावा कुछ लड़कियां भी आपस में होली खेलती हैं और लड़कियां एक दूसरे के ऊपर गुलाल लगाती हैं और बड़े और छोटे सारे मिलके इकट्ठे होली मनाते हैं। और होली एक अच्छा भाईचारे का त्यौहार है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार की होली भी जो है बहुत अच्छी होगी और रंगों और खुशियों के साथ मनाई जाएगी। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी। नहीं आएगा? थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कि होली में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, कोई हमें कलर लगा रहा है तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। तो पंजाब की होली में बहुत ही मनोरंजन होता है। अब हमारे साथ हैं डीवीपी डिपार्टमेंट की हेड मिसेस पूनम रानी। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप, जैसा कि आप जानती हैं कि होली का त्यौहार बहुत ही करीब है, तो आप एक शिक्षक होने के साथ साथ एक गृहिणी भी हैं, तो आप कैसे मैनेज करेंगे और आप होली में क्या क्या पकवान बनाने वाली हो और अपनी ये होली आप किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, प्लीज़ आप हमें बताइए। देखिए मैं होली का अभी से प्लान कर रही हूँ कि मुझे किस दिन गुजिया बनानी है, किस दिन पकवान बनाने हैं, किस दिन अपने स्टूडेंट्स के साथ में मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगी, घर पर कैसे सेलिब्रेट करूँगी और किस किस तरीके से। काफ़ी दिमाग में अब ये चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं, अब देखते हैं कैसे कैसे उसको देखते हैं बनाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मेरे दिमाग में जो रहती है वो अपने मंदिर के लिए रहती है कि मैं कैसे पूजा घर अपना सजाऊंगी और किस तरीके से अपने भगवान के लिए जो चीज़ें बनती हैं होली पर, जैसे गुजिया का भोग लगाना होता है और जो होली पर हनुमान जी की जो पूजा होती है, होली पूजन के लिए जिस जिस तरीके से विधियाँ होती हैं, तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि एक साल में हम क्या क्या करते हैं वो थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो जाता है, फिर वो पूछना पड़ता है कि कैसे हम किस किस विधि से कलावा और ये सब करते हैं। तो सबसे पहला मेरा उस पर टारगेट रहता है, फिर खाने पीने पर, फिर यहाँ स्टूडेंट्स के साथ में अभी हमारा 14 को प्रोग्राम है जहाँ पे डिपार्टमेंट में, जहाँ पे हम होली सेलिब्रेट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के साथ में। फिर घर पर तो देखा जाएगा, जब मिलने आते हैं तो बस मिलने के लिए, बाकी होली सेलिब्रेशन यहाँ स्टूडेंट के साथ में ज़्यादा अच्छे से होता है। तो मैम ने अपनी राय बताई कि
साथ भी प्लान कर सकती है और अपने घर की प्लानिंग भी मैम ने बहुत अच्छे से अभी से शुरू कर दी है। मैं हूँ इस वक्त फार्मेसी डिपार्टमेंट में और मेरे साथ ही फार्मेसी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर लाल मतना कर दी। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो इस टाइम होली कैसे मनाने वाले हैं। सर होली आपको पता है कि होली आने वाली है और सब लोग अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं कि होली कैसे मनानी है, तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे आप ही होली कैसे मनाएंगे। कलर वगैरह यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी हार्मफुल हैं बच्चों के लिए स्पेशली और बड़ों के लिए भी। तो पहले तो मैं ये सर्च करना चाहूँगा कि सभी लोग जो नेचुरल कलर्स होते हैं जो घर पे भी बनाए जा सकते हैं उनसे होली खेलें, और रंग का कलर्स का यूज़ और जो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं स्प्रे जो आँखों के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं उन चीज़ों को यूज़ न करें। और हम लोग सभी मिलकर जैसे होली हमारे कल्चर है, हम तो ब्रज क्षेत्र से हैं तो जो एक नेचुरल कल्चर है हम उसके हिसाब से होली मनाते हैं। सभी लोग बैठते हैं घर में, मिठाइयाँ जो भी नेचुरल फिनोमेना से। तो सर हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप एक फार्मेसी डिपार्टमेंट से हैं, तो आप ये बताइए सबसे पहले तो मैं कि जो हम केमिकल कलर जो यूज़ करते हैं उनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है कि जो केमिकल्स के कलर हैं जो मार्केट में आज की डेट में जो कलर्स आ रहे हैं उनमें क्या होता है कि वो हमारे स्किन के लिए, आँखों के लिए, आजकल फंगल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन इतने हैं आपने देखा होगा आए दिन कि काफ़ी हो रहे हैं हमें। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो केमिकल्स वाले कलर्स वाले जो इस टाइप के कलर्स हैं जिसमें केमिकल्स हैं बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा। इसमें स्प्रे तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि वो हमें जब रेस्पिरेशन करते हैं हम उस टाइम भागते हैं तो हमारी सांसों में भी जाता है। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, स्किन के लिए, आँखों के लिए और पूरे बॉडी के लिए हार्मफुल है तो नहीं यूज़ करें। सर आप मतलब अपने डिपार्टमेंट में आप सॉल्यूशंस भी बनाते हैं, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि हर्बल कलर्स जो होते हैं तो क्या हम उन्हें घर पे बना सकते हैं? वैसे तो ये सीक्रेट है, हम अपने बच्चों को बताते हैं लेकिन क्योंकि ये एक सोशल सर्विसेज है तो हम बता रहे हैं कि ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। कलर्स एक्चुअली में हम लोग फ्लावर्स के भी बनाते हैं। फ्लावर्स को ड्राई कर लीजिए पाउडर फॉर्म में, उसको मिक्सर ग्राइंडर से पीस लीजिए और उसमें कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट डाल दीजिए। वैसे तो फ्लावर में खुद अपना एक स्मेल होता है लेकिन अगर नहीं है, फ्रेगनेंस नहीं है फ्लावर में, तो आप उसमें कोई भी स्प्रे मार के, जनरली स्प्रे मार के आप एक नेचुरल कलर बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसका कोई ऐसा बड़ा फार्मूला नहीं है कि इसमें ये सारा होता है। जैसे कि सर ने बताया कि हम हर्बल कलर्स भी यूज कर सकते हैं और उन्हें बनाने का तरीका भी सर ने बताया, तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज केमिकल कलर्स को यूज ना करके आप हर्बल कलर्स का यूज ज्यादा कीजिए। तो हो गई टीचर्स की बात, लेकिन बात होली की चल रही हो और स्टूडेंट से ना पूछा जाए बच्चों की मस्ती ना आए तो जब तक होली के बाद में मजा नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं मंगलायतन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से कि उनकी होली को लेके क्या प्लानिंग चल रही है। कैसे आप सब? आई थिंक आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। हाँ, हम लोग अभी होली के लिए प्लान आउट कर रहे थे और कि इस बार हम लोग होली पे क्या करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम लोग की छुट्टियाँ होने वाली हैं कॉलेज की, तो बस प्लानिंग आउट फॉर होली। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए मुझे। जी, मेरा नाम सचिन कुमार। तो आप बताइए कि आपकी सबसे यादगार होली अब तक की कौन सी रही है? सबसे यादगार होली तो बचपन में होती थी, जो हम सुबह से जाते थे शाम को लौटते थे। अब होलियाँ कहाँ होती हैं, अब तो लड़ाई झगड़े वाली होलियाँ होती हैं, लेकिन सबसे यादगार बचपन में ही होती थी। वो मम्मी हमें बुलाया करती थी, ढूंढती थी, पापा भी देखते थे लेकिन हम लौटते नहीं थे, शाम को ही लौटते थे। शाम को फिर हम नहाते थे तो बीमार भी हो जाते थे क्योंकि मौसम बदलता रहता था। बस बचपन की ही होती थी। तो भाई ये तो हो गई इनकी सबसे यादगार होली। तो तान्या जी, अब आप बताइए कि आप होली का वेट क्यों करते हो इतने? होली का वेट मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि होली पे सबके घर ऐसा इंडियन ट्रेडिशन में होता है कि हर किसी के घर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती हैं, तो मैं होली का वेट इसीलिए करती हूँ क्योंकि मेरे को खाना भी बहुत पसंद है और मतलब मीठी चीजें काम पसंद है और कलर्स भी और चाइल्डहुड फ्रेंड से भी मिलने को मौका मिलता है, तो इसीलिए होली का वेट रहता है। और हम हॉस्टलर्स हैं तो घर जाने का और ज्यादा एक्साइटमेंट भी रहता है। जी बिल्कुल सही बात का। हॉस्टलर्स की बात हो तो मैं बता दूं कि घर जाने का जो एक्साइटमेंट होता है वो बहुत ही वेटिंग होता है, बहुत ही दिन से वेट कर रहे होते हैं कि हम कब घर जाएं। तो मैं जानना चाहती हूँ मेघा जी, प्लीज आप बताइए हमें कि आपकी क्या होली की तैयारी है। होली की तैयारी अभी तो बस छुट्टियों की देर है, जैसे ही छुट्टियाँ आएंगी हम लोग घर पर जाएंगे और कलर्स वगैरह हम लोग ला के रखे हुए हैं पहले से। फ्रेंड्स वगैरह सब बाहर से आ रहे हैं तो हम लोग सब होलियाँ एक साथ मनाएंगे।
तो जैसा कि आप सबने हमारे सीनियर्स की राय जानी कि उन्होंने अपनी होली के लिए की क्या प्लानिंग कर रखी है, कैसे सेलिब्रेट करना है, तो उन सबको मिला के मैं आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि होली खेलिए, लेकिन देख के किसी को नुकसान ना हो और केमिकल कलर से तो बहुत ही दूर रहना चाहिए और अपने फ्रेंड्स की मस्ती करते रहिए, फ्रेंड्सों के साथ खेलिए, फैमिली के साथ खेलिए। इसी के साथ हैव अ कलरफुल होली।